हेलो फ्रेंड्स, रेनूज किचन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बीटरूट हलवा। तो इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए तो वो मैं आपको बताती हूँ। 1.5 किलो के करीब हमने दूध ले लिया है, 3 से 4 बीटरूट ले लिया है, इसको हमने ग्रेट कर लिया है, आधा नारियल ले लिया है, इसको भी छील के ग्रेट कर लिया है, और ये मैंने भीगे हुए बादाम लिए हैं, अखरोट लिए हैं, और यहाँ पर 1.5 कप के करीब मैंने ब्राउन शुगर लिया है। आप चाहे तो वाइट शुगर ले सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बीटरूट हलवा। हम गैस ऑन कर देते हैं और दूध भी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर ग्रेट किया हुआ बीटरूट डालेंगे। तो ये अब हमने इसके अंदर बीटरूट डाल दिया है। अब हम इसको चलाएंगे। ये हम दूध के अंदर मिक्स हो जाना चाहिए और ये इसको हम चलाते रहेंगे ताकि ये दूध हमारा गाढ़ा हो जाए। तो जब तक ये हमारा दूध गाढ़ा होता है तब तक हम भीगे हुए बादाम के स्लाइसेस बना लेते हैं। अगर आपके पास भीगे हुए बादाम नहीं है तो फ्रेंड्स, आप एक कटोरी में जितने आपको बादाम चाहिए उसके अंदर पानी डालिए, जहाँ बादाम भीग जाने चाहिए, और उसको 1 मिनट के लिए आप माइक्रोवेव में रखिए, और उसको बाहर निकाल के ठंडा होने के बाद आप उसको छीलेंगे तो सारे छिलके उतर जाएंगे, बिल्कुल आपके तैयार हो जाएंगे भीगे हुए बादाम। तो ये अब हमारा दूध भी गाढ़ा हो चुका है। जब ये आधा दूध गाढ़ा हो जाएगा तो अब हम इसके अंदर ग्रेट किया हुआ नारियल डाल देंगे। तो ये हमने नारियल भी डाल दिया है। तो अब हम इसको और अच्छे से चलाएँगे। फ्रेंड्स, इसको हमें कुछ चलाते रहना है ताकि ये नीचे से लग ना जाए दूध, तो इसीलिए अब हम इसको चलाते रहेंगे। अब जो हमारे पास बादाम है इसके आधे बादाम हम इसके अंदर डाल देंगे और आधे बादाम उसको डेकोरेशन के लिए रख देंगे। और मैंने यहाँ पर जो ब्राउन शुगर ली है वो इसके अंदर डाल देते हैं। आप चाहे तो वाइट शुगर ले सकते हैं। अब हम इसको उतार लेते हैं। हमारा तैयार हो गया है बीटरूट हलवा। तो अब हम इसको डेकोरेट करेंगे। अब सर्विंग बॉल के अंदर डाल लेते हैं। अब हम इसको बादाम से और अखरोट से डेकोरेट करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ नारियल भी बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने यहाँ पर कुछ स्लाइसेस ले लिए हैं, ये आपकी इच्छा अनुसार है। तो मैंने यहाँ पर अंजीर भी ले लिया है, तो अंजीर को हम ऐसे सजा लेते हैं ऊपर। और साथ में दूसरे ड्राई फ्रूट्स भी हम इसके ऊपर लगा लेते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार जितना भी चाहें लगा सकते हैं। तो देखिए, ये हमारा बीटरूट हलवा बिल्कुल तैयार हो चुका है। बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। आप इसे खाइए और मुझे इसका फीडबैक जरूर दीजिए। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ आप इसे शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब